हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो साबूदाने से बनने वाली है। देखिए, ये मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है और ये ली है चिरौंजी, कुछ बादाम लिए हैं और ये तरबूज के बीज होते हैं ना, वो तरबूज के बीज लिए हैं। और ये मैंने लिया है कोकोनट, कोकोनट को मैंने कद्दूकस कर लिया है, कोकोनट पाउडर। और ये मैंने 4 छोटी इलायची ली हैं, किशमिश लिया है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, ये मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं अपना साबूदाना ऐड कर लेती हूँ। गाइस, इसको हम धो लेंगे। गाइस देखिए, इसको अच्छे से धोइएगा, इसका जो ये वाइट पानी है इसको निकाल लीजिएगा, अच्छे से साफ करके धोइएगा। लीजिए गाइस, ये साबूदाना मैंने धो लिया है। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और इसको रेस्ट पर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। चलिए गाइस, जब तक मेरा साबूदाना रेस्ट पर है, हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें काजू, बादाम, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगता हो वो आप ऐड कर लीजिए। गाइस, अक्सर सभी की शिकायत होती है कि साबूदाना चिपक जाता है, बर्तन में चिपक जाता है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि साबूदाना आपका चिपकेगा नहीं और आप जो रेसिपी बना रहे हैं वो ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। चलिए देख लेते हैं हम अपना साबूदाना, उसकी क्या कंडीशन है। देखिए, मेरा साबूदाना सॉफ्ट हो गया है। चलिए करते हैं आगे की तैयारी। गाइस, एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसको हम अच्छे से ग्रीस करेंगे। देसी घी से आप ग्रीस करिएगा इसको। गाइस, यही वो ट्रिक है जिससे मेरा साबूदाना बर्तन में चिपकेगा नहीं और आसानी से पक जाएगा। देखिए, मैंने अपनी कढ़ाई को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, फ्लेम ऑन कर देते हैं। यहीं पे ऐड कर रही मैं दूध। गाइस, दूध आप गर्म लीजिएगा, ठंडा दूध नहीं लेना है। यहीं पे ना ऐड करूंगी मैं साबूदाना। इसको ना आप लगातार चलाते रहिएगा। लगातार चलाने से होगा क्या, जो हमारा साबूदाना है वो बर्तन में नहीं चिपकेगा। गाइस, ये जो मैंने छोटी इलायची ली थी, इसका चलिए मैं पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने पाउडर बना लिया है, इसको थोड़ा सा डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइएगा। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ नारियल पाउडर। चलिए इसको लगातार चला लीजिए। गाइस, इसको मैं गाढ़ी होने तक तो पकाऊंगी। देखिए, मेरा साबूदाना ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है।
देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है ये, देखिए गाइस मेरी रेसिपी तैयार हो गई है। देखिए गाढ़ी हो गई है, चलिए इसमें करते हैं तड़के की तैयारी। मैं एक पैन ले रही हूँ, चलिए फ्लेम कर देते हैं ऑन। पैन को गर्म होने दीजिए, पैन गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। देसी घी गर्म हो गया, जो मैंने बड़ी छोटी इलायची ली थी ये देखिए, मैं इसको बीच में खोल के ऐसे ऐड कर रही हूँ, यहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ तरबूज के बीज, चिरौंजी ये ऐड कर देती हूँ मैं अपनी खीर में, देखिए कितनी जबरदस्त तैयार हुई है मेरी खीर। यहीं पे थोड़ा सा छोटी इलायची पाउडर और ऐड कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। दो ड्रॉप वनीला एसेंस की, जो वनीले का अर्क होता है ना वो ऐड कर रही हूँ, सिर्फ दो ड्रॉप। बहुत थोड़ा सा रोज वाटर, चार से पांच बूंदे। चलिए मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मेरी बनी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।